हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके फोन में भी YouTube एप्लीकेशन जो है वो नहीं चल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि YouTube ओपन प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे YouTube को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर ऑफलाइन एक्सप्लोर डाउनलोड्स, यहाँ पे इस तरह का मैसेज आ रहा है और हमारा जो YouTube है वो नहीं चल रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपने फोन में आपको चेक करना है, मैं आपको कुछ ट्रबल शूट बताऊंगा जो आपको करना है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से बाहर आइए और यहाँ पे आपको एक बार ऊपर से स्लाइड करके चेक कर लेना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यहाँ पे ऑन है कि नहीं। यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है वो करेक्टली आ रहा है, तो आपका नेटवर्क भी चेक करना है कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। उसके बाद कनेक्शन ऑन है या नहीं वो भी चेक कर लेना है। और यहाँ पे आपको एक बार फ्लाइट मोड को ऑन करना है और उसके बाद इसे ऑफ कर देंगे। इंटरनेट कनेक्शन भी यहाँ पे हमारा ऑन है और अब आप चेक कर सकते हैं। अब आपको आप अपने YouTube को खोल के देख सकते हैं कि अब आपका YouTube जो है वो चल रहा है कि नहीं। अगर अब फिर भी नहीं चल रहा है तो अब आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सबसे ऊपर में YouTube। मैंने सर्च किया यहाँ से और यहाँ पे हमारा YouTube एप्लीकेशन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके YouTube में कोई भी अपडेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ YouTube पे अपडेट आया हुआ है, तो ये आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट पे क्लिक करेंगे और अब ये अपडेट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। कई बार हमारा अपडेट नहीं होता है जिसके कारण से भी हमारा YouTube जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम देता है या फिर नहीं ओपन होता है। तो अपडेट है तो सबसे पहले तो आपको अपडेट ही करना है। चलिए इसे अपडेट होने देते हैं तब तक। अब यहाँ पे हमारा जो YouTube है वो अपडेट होकर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और अब आप चेक कर सकते हैं कि अब आपका YouTube जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है कि नहीं, उसमें इंटरनेट आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो अब आपको जाना है सेटिंग्स पे और यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, देख सकते हैं ये रहा, ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐप लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे आपके ऐप का लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को खोज लेना है, ओपन कर लेना है। तो ये नीचे होगा, ये रहा यूट्यूब, इसे हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है फोर्स स्टॉप। फोर्स स्टॉप करेंगे और ये फोर्स स्टॉप हो गया है। यहाँ पे अब आपको मैं एक और प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको डाटा यूजेज डिटेल्स पे जाना है और यहाँ पे ये दो ऑप्शन होता है, डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई। ये दोनों ऑप्शन आपका डिसेबल होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों जो ऑप्शन है वो मेरे में ऑन था, इसलिए हमारा जो YouTube है वो नहीं चल रहा था। ये दोनों ऑप्शन अगर आप में ऑन है तो इसे ऑफ कर लीजिए फटाफट से। ऑफ करने के बाद जो है यहाँ से बाहर आएंगे और अब आपका 90% यही प्रॉब्लम होता है लोगों का। तो अब आपको YouTube चला के देखना है अब आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर फिर भी नहीं चल रहा है, बाय इनकेस अगर नहीं चल रहा है, तो आपको जाना है अब लास्ट प्रोसेस में स्टोरेज यूजेज पे और यहाँ पे आपको करना है अब क्लियर डाटा। यहाँ पे आपको अब यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक बार क्लियर डाटा पे क्लिक कर लेते हैं, ओके कर देते हैं और यहाँ पे अब हमारे यूट्यूब का हो गया है क्लियर डाटा। अगर आपने कोई भी डाउनलोड किया होगा तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने कोई भी ऑफलाइन डाउनलोड किया होगा तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद अब 100% हमारा यूट्यूब चलना चाहिए और चलेगा भी। यहाँ पे अब हम ओपन करके देखते हैं। ओपन किया तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल जो है नए के तरह ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा YouTube ओपन हो चुका है इस तरह से। तो मोस्टली जो फ़ोन होता है उनमें यही स्टेप्स होते हैं, यही प्रॉब्लम होता है जिनके कारण से YouTube हमारा ओपन नहीं होता है। और YouTube के इस प्रॉब्लम को आप इसी तरह से फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।